आज का जो ये फंक्शन था, ये हमारे संगीत जगत के बहुत ही महान गायक श्री आनंद कुमार सी साहब के ये बरसी का, उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जिसमें सुरेश वाडकर जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी और स्वर्गीय श्री आनंद कुमार सी जी का परिवार जो है उन्होंने मिलके ये सारा, उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने मिलके ये ऑर्गेनाइज़ किया और हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। जो गीत संगीत पक्ष है आज के दौर में देखते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता कि शास्त्रीय संगीत को काफ़ी महत्व दिया जाता था, काफ़ी ज्ञान होता था उस बारे में, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो गीत संगीत पक्ष है, लोग जो आ रहे हैं इस क्षेत्र में? देखिए, हर दौर में संगीत थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन जो मूल संगीत है, क्लासिकल म्यूज़िक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और कभी भी उसको लोग छोड़ नहीं सकते। वो हमारे भारत की, हमारे संस्कृति है हमारी, तो क्लासिकल म्यूज़िक कभी भी ख़त्म नहीं होगा और जो फोक है हमारा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, जो ये पाश्चात्य संगीत है, वेस्टर्न म्यूज़िक है, कभी आता है जाता है, तो ये मौसम के हिसाब से है, बाकी जो ओरिजिनल है वो हमेशा ओरिजिनल रहेगा। सर, आखिर में चाहूँगा कि जैसा देख रहे हैं कि अनूप जलोटा जी बिग बॉस में हैं और काफ़ी ज़्यादा उन कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं कि एक कम उम्र की लड़की से प्यार का मतलब इजहार उनके द्वारा किया जाना या उनका एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को कितना सही कितना गलत मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं अनूप जी को बहुत सालों से जानता हूँ, आज से नहीं, कम से कम मैं 25-30 सालों से अनूप जी का मतलब उनसे मेरा रिश्ता है और अनूप जी जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं और बहुत साफ दिल इंसान है, जो उनके अंदर है वही उनके ज़बान पे है, वो बहुत ही साफ दिल और बहुत ही नेक इंसान है। तो अगर उन्होंने ये डिसीज़न लिया है तो उसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, उनकी अपनी लाइफ है, तो इसमें दूसरों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।